कर रहा है शुभमन गिल आज। जब जब गुजरात का गुजरात विकेट लेती है ना तब इन लोग परफ्यूम लगाते हैं। स्पेशली चेन्नई से मैच देखने आए हुए हैं और ये अभी तक चेन्नई में जो चार मैच हुए थे चारों मैच गए और चारों मैच चेन्नई जीता है। ये जो है ये बोल अपना असली नाम आदित्य बता रहे हैं पर इन लोग सब बोल रहे हैं कि वो जीतू है। अब उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं। यार ने सिक्स मार के 50 किया, सिक्स मार के इंडिया के लिए तो सभी खुश होते हैं यार। हमारे जो जीतू भाई थे वो यहाँ से उठ के चले गए। अभी सब गुजरात सपोर्ट कर रहे हैं पर एकदम फ्रेंडली चलेगा कि वो धोनी को जिताना है हमको CSK। शुभमन गिल आज इसने 110 रन बना दिए 51 बॉल पे। शुभमन गिल क्या खेल रहा है। 3 sixes in a row। रन चाहिए 71 बॉल पे। एकदम फिंगर क्रॉस्ड है मुंबई तो नहीं गुजरात टाइटन्स जीतनी चाहिए और हम
हम लोग खैर थोड़ा सी एस के फैन है ना, तो क्या करें। मेरे साथ एक और सी एस के फैन बैठे हुए हैं मेरे साइड में, ये स्पेशली चेन्नई से मैच देखने आए हुए हैं, और ये अभी तक चेन्नई में जो चार मैच हुए थे चारों मैच गए और चारों मैच चेन्नई जीता है। तो सर चेन्नई ना, चेन्नई है, फाइनल भी चेन्नई उठाए, चलो देखते हैं। और फाइनल कौन जीतेगा इधर? चेन्नई। बाय। मुंबई नहीं जीतेगा, चेन्नई जीतेगा। अभी मुंबई इंडियंस के 100 रन कंप्लीट हो गए हैं, 3 विकेट हुए हैं, पर सूर्य कुमार जब तक रहेगा ना तो टेंशन बना रहेगा, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अरे गुजरात तो जीतेगा पर सूर्या तो मार रहा है। भले मारता, सूर्या को मारने तो सूर्या को अब आउट कराओ। भले मार दो, थोड़ा हिंदी गुजराती हो जाओ, नहीं चलता है। अब हम गुजरात में आके मैच देख रहे हैं तो थोड़ा तो वो मिक्स वो टच चाहिए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये साथ किसके हैं। मेरे को शुरू में मैच के शुरू में बोले कि ये मुंबई इंडियंस के दुश्मन है, और अब देखो जब मुंबई इंडियंस चौका मारता है ये ताली बजा रहे हैं। तो अच्छा देखिए क्रिकेट के पक्ष में ऐसा लग रहा है, ऐसा मत करो। तो गुजरात जीतना जीतना है। अच्छा सूर्या ठीक है, नेक्स्ट बॉल में सूर्या आउट ऐसी बोला, नेक्स्ट बॉल में सूर्या आउट, और इनका रिएक्शन देखने लायक था, कुछ इस टाइप का था। सूर्या अगर आउट होगा तो ये सबसे ज्यादा खुश होंगे, ऐसा बोल रहा जीतू भाई। तो जीतू भाई ग्रुप मुझे जीतू भाई बोलने में मजा आता है, और ये बोल रहे कि आदित्य बोलो। तो अभी अभी एक शर्त लगी है, अभी एक शर्त लगी है हम लोग के बीच में जीतू भाई डांस करेंगे। अभी तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन है कि इनका नाम जीतू और आदित्य में बहुत कंफ्यूजन डाल रहे हैं इन लोग। तो ये जो है ये बोल अपना असली नाम आदित्य बता रहे हैं, पर इन लोग सब बोल रहे हैं कि वो जीतू है। अब उसके पीछे की स्टोरी जानते हैं। क्या हुआ? जीतू भाई सिक्स हुआ। हमारा आदित्य और जीतू का सफर बीच में रुक गया था, तो हम लोग फिर से जानते हैं कि क्या स्टोरी है। तो हाँ भाई बताएंगे। हाँ भाई फरवाड़ बोलते थे, उनके उसके बाद इनका नामकरण ये होती है जीतू भाई। अच्छा तो इनकी इनकी गर्लफ्रेंड भी हमको सुनने में आया है, वो इनको प्यार से जीतू भाई बोलती थी। और ये और आपको जिसने बताया ना जीतू का एक्सप्रेंड, उसका नाम है डॉली भाई। जीतू भाई का मुंबई इंडियंस का ड्रेस दिखाता हूँ। जीतू भाई थोड़ा सा आप मुंबई इंडियंस का ड्रेस दिखाओ, ये तो दिखाओ टी शर्ट को, ये आपको फिट आ रही है, ये आपको फिट आ रही है, छोटे बच्चे का आप उठा उठा में जब पहली बार आया तो नहीं था 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 था। ओ अच्छा ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट है, धोनी का ऑटोग्राफ मुंबई इंडियंस की टी शर्ट फैन हूँ धोनी। अच्छा तो फिर चेन्नई को फाइनल में जिताना है ना, महेंद्र सिंह धोनी नॉट चेन्नई, तो ठीक है ना, तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए चेन्नई जिताना है इस साल। मुंबई आएगा फाइनल में तब भी चेन्नई जीतेगी। गर्मी हो रखी है कि इन लोग बीच बीच में क्या कुछ ऐसा स्पेशल सीक्रेट चीज है जो ये इन लोग बीच बीच में महकते रहे ऐसा लग रहा है। जब जब गुजरात का गुजरात विकेट लेती है ना तब इन लोग परफ्यूम लगाते हैं, ऐसा होता है। क्या बात है, चल
सूर्या बच गया। खैर सूर्या अच्छा प्लेयर है यार, हम भी चाहते हैं ना आउट मत हो, पर बस वही है कि जिता मत दे। अब मुंबई को जीतने में 42 बॉल्स पे 100 रन चाहिए, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो गुजरात को जीतना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि बनेगा, पर इनकी दुआ अगर ज़्यादा हुई तो शायद मुंबई जीत जाए। लेकिन जो भी कहो आशीष नेहरा ना बहुत इन्वॉल्व रहता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो हर टाइम बीच में बोलते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये देखो जब भी प्रेशर में आती है टीम बहुत गाइड करता है आशीष नेहरा। पर हम लोग को गुजरात को जिताना है। लगभग गुजरात टाइटन जीत गई ऐसा लग तो रहा है। हमारे जो चिंटू भाई थे वो यहाँ से उठ के चले गए, उनका मूड बहुत खराब हो गया है कि मुंबई ने ऐसा कैसे परफॉर्म कर रही है। 8 विकेट 161 रन में, अभी 23 बॉल्स में 73 रन चाहिए। ओ गुजरात टाइटंस को अब जीत ही जाएगी। अब तो 9 विकेट हो गया, लास्ट विकेट बचा हुआ है बस, और अभी भी 21 बॉल में 72 रन चाहिए। गुजरात तो जीत गई, लास्ट विकेट है बस। कैसा लग रहा है आपको, गुजरात जीत गई लगभग? गुजरात का चेन्नई हम सब अभी गुजरात सपोर्ट, अभी सब गुजरात सपोर्ट कर रहे हैं, पर एकदम फ्रेंडली चलेगा कि वो धोनी को जिताना है हमको सीएसके। बिल्कुल येलो हो जाएगा उस दिन टी शर्ट। तो फाइनल में आ रहे हैं ना आप लोग, टिकट आ रहा है। मुंबई इंडियंस, और अब दूसरी बार लगातार गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंचा है, तो अब सीएसके और गुजरात टाइटंस का फाइनल होगा। गुजरात
Gujarat Titans won the match. Gujarat Titans won by 62 runs. First match Gujarat Titans and CSK. Then playoff first match Gujarat Titans and CSK. And final is also Gujarat Titans and CSK. Let's see who will win the match. वैसे CSK ही जीतना चाहिए. धोनी, धोनी.